नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप लोग जितने भी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के छात्र हैं, उनका क्वेश्चन आता है कि सर, स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण आखिर कब तक ही किया जाएगा। तो लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग का स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया जाएगा और वो कुछ ही दिन में शुरू होगा। चलिए, पेपर के माध्यम से क्या बातें बताई गई हैं उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हम्बल है दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए मैं जानकारी इकट्ठा में करने में करता हूं और वीडियो बनाने में करता हूं। तो आप लोग एक काम कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करोगे दोस्त तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी, ऑफिशियल जानकारी आएगी, तुरंत ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी और दोस्तों आप कभी भी किसी भी जानकारी से मिस नहीं रहेंगे और इस पर आपका कोई भी पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। यूपी में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार है कि स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण कब से किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जानकारी के अनुसार सरकार छात्रों का डाटा इकट्ठा कर रही है, जल्द ही अभ्यर्थी डीजे शक्ति पोर्टल पर नामांकन करके स्मार्टफोन टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि सर, डीजे शक्ति पोर्टल क्या होता है। दोस्तों, डीजे शक्ति पोर्टल एक सरकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अभ्यर्थी अपना फॉर्म सबमिट करते हैं और उसी डीजे शक्ति पोर्टल के माध्यम से आप लोग का एक SMS आता है मोबाइल पर कि आप लोग स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए चुन लिए गए हैं और जल्द ही आपके कॉलेज से स्मार्टफोन टैबलेट वितरण किया जाएगा। तो वहाँ पर डेटा इकट्ठा करके दोस्तों सरकार इकट्ठा करेगी, उसके बाद आप लोग का स्मार्टफोन और टैबलेट की वितरण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।